जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपि रार्यते न तम सोजितु महर्षि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके ऐसी है कुदरती व्यवस्था है, इसलिए शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है। बस दोस्तों, अभी जो आपने श्लोक सुना है ये श्री भगवत गीता का है। इसमें श्री केश जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास शर्मा, वीनस एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे और सदैव अच्छे रहें, ये मैं कामना करता हूँ। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है, हमारी ये वीडियो आज पितृपक्ष और श्राद्ध के बारे में, जिसको हम श्राद्ध भी कहते हैं, उसके बारे में है। तो दोस्तों, श्राद्ध क्या होते हैं? श्राद्ध का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ? श्राद्ध क्यों मनाया जाता है? और मानव जीवन में श्राद्ध का क्या महत्व है? और पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। पितृपक्ष के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में जानेंगे। जन्म और मृत्यु सृष्टि की रचना के दो अहम पहलू हैं। जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात जन्म भी निश्चित है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। मानव सभ्यता में जन्म और मृत्यु का एक विशेष महत्व है। वेदों, उपनिषदों, प्राणों और दर्शन शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय पर विस्तृत विचार किया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक तो हमारे सामने प्रतिदिन प्रत्यक्ष होता रहता है, जिसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का क्या होता है, कहाँ रहती है, क्या करती है, इसका किसी के पास कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसका अनुमान भी दृष्ट प्रमाण पर आधारित है। वेदों और शास्त्रों के वचन ही इसका प्रमाण माना गया है। दोस्तों, गरुण पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को यम के दूत 24 घंटे के लिए अपने साथ ले जाते हैं और उन 24 घंटों में उस आत्मा को ये बताया जाता है कि उसने कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं। उसके पश्चात उसको वापस उस घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्यागा था। अब वो आत्मा 13 दिन तक उस घर में निवास करती है। 13वीं होने के पश्चात आत्मा का मृत्यु लोक से यमलोक तक का सफ़र स्टार्ट होता है। अब मृत्यु लोक से यमलोक का जो सफ़र है वो आपके कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो यह रास्ता सरल हो जाता है और आपके कर्म खराब हैं तो ये रास्ता उतना ही कठिन हो जाता है। मृत्यु लोक से जो यमलोक की दूरी है वो 98,000 योजन है, यानी कि एक योजन में 8 किलोमीटर। अब आत्मा को 200 योजन प्रतिदिन चलना है। वायु मार्ग से तीव्र गति से यम के दूत उसे ले जाते हैं, प्रताड़ित करते हुए ले जाते हैं, भूखे प्यासे ले जाते हैं, कोड़े मार मार के ले जाते हैं। उस आत्मा को यम के दूतों की इतनी यात्राएं झेलनी पड़ती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस सफ़र में एक बैतरणी नदी भी आती है जो कि बहुत ही भयानक है, जिसमें खून मवादों से भरी पड़ी है, पता नहीं कैसे कैसे जीव जंतु हैं उसके अंदर जो नोच के खाते हैं। आत्मा को वो सब फील होता है जैसा वो शरीर के अंदर फील करती है। जैसा हमारा आपका शरीर फील करता है वैसा ही आत्मा वहाँ फील करती है, वो सब प्रताड़ना है। तो दोस्तों, ये जो सफ़र है यमलोक तक का बहुत ही खतरनाक होता है और यमलोक पहुँचने के बाद चित्रगुप्त जी उनका हिसाब करते हैं। उसके कर्मों के आधार पर उनको लोक दिए जाते हैं, स्वर्गलोक, नरलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, पितृलोक इत्यादि होते हैं। तो उसके कर्मों के आधार पर उनको जन्म मिलता है और आत्मा को कहाँ रखना है वो तय करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में।
जिसको हम पितृपक्ष भी कहते हैं। दोस्तों, श्राद्ध क्यों मनाया जाता है, इसका मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, श्राद्ध का प्रचलन कब से हुआ, पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। श्राद्ध क्या है? पितरों को प्रसन्न करने के लिए आहुति सहित श्रद्धापूर्वक पिंड, भोजन, वस्त्र आदि प्रदान करना ही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद के रूप में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि, दीर्घायु आदि चीज़ें प्रदान करते हैं। तो सनातन धर्म में श्राद्ध का प्रचलन अनादिकाल से है। रामायण में उल्लेख है कि श्री राम को उनके पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार वनवास में प्राप्त हुआ था और उस वक्त इन्होंने एक दिन का निर्जल व्रत किया था और उसके बाद उन्होंने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से चित्रकूट के आश्रम में ही नदी के किनारे जाकर अपने पिता को स्मरण करते हुए श्राद्ध कर्म संपन्न किया था। महाभारत के अनुसार श्राद्ध के बारे में सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को उपदेश दिया था। उसके बाद महर्षि ने श्राद्ध करना प्रारंभ कर दिया और महर्षि को देखते देखते अन्य ऋषि मुनियों ने भी अपने पितरों और देवों को अन्न देना शुरू कर दिया। लगातार श्राद्ध का भोजन प्राप्त करते करते उनके देव और पितर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। उसके बाद ये प्रथा आगे चलती चली गई और आज जनमानस में ये प्रथा चल रही है और ये बहुत ज़रूरी भी है। दोस्तों, अब हम बहुत ज़रूरी बात पर आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्राद्ध की महत्ता क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। भारतीय हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में पितृऋण का बहुत बड़ा महत्व है। पितृऋण, जिसे हम पितृदोष भी कहते हैं, पिंडदान, तर्पण, नारायण बलि, नाग बलि इत्यादि कर्मकांड करने से मनुष्य को इन दोषों से मुक्ति मिल जाती है और इन कर्मों के करने का बिल्कुल सही समय पितृपक्ष ही होता है, क्योंकि इन 16 दिनों के पितृपक्ष में जीवात्माएं सभी बंधनों से मुक्त होकर धरती लोक पर अपने वंशजों के पास आती हैं और उनसे श्राद्ध की उम्मीद रखते हुए उनको आशीर्वाद देकर फिर वो वापस चली जाती हैं। श्राद्ध ना करने से परिवार में कभी भी शुभ कार्य नहीं हो पाते, ना शादी के कार्य होते हैं, ना ही संतानें होती हैं, संतान हो जाएंगी तो कुसंतान होती हैं, लोग रोगी बने रहते हैं, निरोगता नहीं रहती, कुल मिलाकर उनका कल्याण नहीं हो पाता। न तत्व वीरा जयंते ना रोगे न सतायुषः नचा त्रियोधि गच्छन्ति तत्व श्राद्ध विवर्जितम। दोस्तों, एक बात बता देता हूँ, जिन लोगों की श्रद्धा श्राद्ध में नहीं होती, जिनको श्राद्ध में विश्वास नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि श्राद्ध ना करते हुए किसी धार्मिक और सामाजिक संस्था को कुछ ना कुछ दान दे देते हैं, जो कि हमारे शास्त्र इस बात से सहमत नहीं है। ऐसे दान करने से हमारे पितरों को संतुष्टि और तृप्ति नहीं मिलती है। दान देना श्राद्ध का विकल्प नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान रखें आप। गरुड़ पुराण में एक छोटी सी कथा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब आप यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ आगे भी देखिए, बहुत ही जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो से और बहुत अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों, ये कथा जो है राजा दृढ़धनवा की है। एक दिन राजा दृढ़धनवा शिकार खेलने जंगल में गए। जंगल में उनकी मुलाकात एक प्रेत आत्मा से हुई। उस प्रेत ने जैसे ही राजा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और राजा को देखकर बोला, हे राजन, मैं एक प्रेत आत्मा हूँ, तुम मेरा उद्धार करो। तो राजा ने कहा कि मैं आपका उद्धार किस तरीके से कर सकता हूँ, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और उद्धार करने से क्या होगा, कृपया मेरे को समझाएं। तो प्रेत आत्मा ने राजा से कहा, हे राजन, मेरा कोई पुत्र नहीं है जो श्राद्ध कर्म करके दान आदि करे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आप राजा हो, राजा सबका बंधु होता है, तो मेरे कल्याण के लिए आप मेरा श्राद्ध करें,
नाग बलि, नारायण बलि आदि करके प्रदक्षिणा करें, इससे मेरा उद्धार होगा और मैं मोक्ष गति को प्राप्त हो जाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं राजमहल जाकर जैसा आपने कहा है वैसा शास्त्रों विधि पूर्वक संपन्न कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए इस बात से। तो राजमहल लौटने के बाद राजा ने सबसे पहले राजपुरोहित को बुलाया और उसको ये सारी बातें बताई। राजपुरोहित जो थे वो राजा की बातों को सुनकर प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। अब बोले राजा आप धन्य हो, जिसका श्राद्ध करने वाला कोई नहीं होता उसका श्राद्ध करने वाले को अनेक फलों की प्राप्ति होती है, बहुत पुण्य का काम है ये। तो राजा ने पितृदर्शी अमावस्या के दिन शास्त्रोक्त विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न करवाया और उस प्रेत को उस योनि से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती है, मनुष्य का जीवन एक सा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं होता, वो सोचते हैं कि हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारी आत्मा को शांति तृप्ति कैसे मिलेगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलेगी। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए, वैसे मैं तो कहता हूँ सबके लिए ही एक सरल और सीधा रास्ता है। पुत्र हो या ना हो, मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप निरंतर परस्पर करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इस लोक के तो क्या, जन्म जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। शास्त्रों में कहा है कि जो मनुष्य निरंतर हरि नाम का स्मरण करता है उसे यमलोक मत लाना, ऐसा सख्त आदेश यमराज ने अपने दूतों को दे रखा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि पितृ पक्ष में क्या क्या करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। देवों को प्रसन्न करने के लिए 2 ब्राह्मण और पितरों को प्रसन्न करने के लिए 3 ब्राह्मण, कुल 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो देवों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1-1 ब्राह्मण यानी 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना अति आवश्यक है। पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण, नारायण बलि, नाग बलि इत्यादि कर्मकांड कराने से बहुत अच्छा फल मिलता है। तिथि श्राद्ध, अमावस्या श्राद्ध, माघादि नक्षत्र श्राद्ध, ग्रहण श्राद्ध आदि शास्त्र सम्मत हैं। और वैसे पितृपक्ष में हर तिथि को श्राद्ध किया जाए तो उसका अलग अलग लाभ मिलता है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, कौवा, बिल्ली और बंदर, इनको भोजन अवश्य कराएं, खुद ग्रहण करने से पहले इनको भोजन कराएं। दोस्तों पूरे पितृपक्ष में आप पीपल और सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। और सबसे खास बात, अगर आपके घर में कोई भी मेहमान साधु या संत कोई भी आता है तो उसको खाली पेट वापस नहीं भेजना है, उसको कुछ ना कुछ खिलाकर दान दक्षिणा देकर ही घर से विदा करें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे समय के बारे में। पितृपक्ष में समय का एक विशेष महत्व है। दोस्तों श्राद्ध की व्याख्या करने से हमें ये पता चलता है कि श्रद्धा नाम की सूर्य की कुछ किरणें भी हैं जिनकी उपस्थिति मध्यान्ह काल में रहती है। मध्यान्ह काल का मतलब 11 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक। सूरज इन किरणों से अन्न रस सोख लेता है और पितरों को तृप्त करता है और उस समय किया जाने वाला श्राद्ध सही माने में श्राद्ध कहलाता है। तो दोस्तों अब ये सुन लीजिए कि पितृपक्ष में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष का जो समय है वो अपने पूर्वजों को स्मरण करके शोक व्यक्त करने का समय है। इस समय कोई भी शुभ कार्य परिवार के अंदर ना करें, कोई नया मकान, वाहन, गहने, आभूषण इत्यादि ऐसी वस्तुएं ना खरीदें। शराब, मांस, अंडा, कोई भी नशीला पदार्थ, इनका सेवन वर्जित है। हो सके तो सात्विक आहार लें, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं ही, क्या करना है क्या नहीं करना है जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।